नठेर में मोक्ष धाम बनाने के संबंध में ग्रामीणों ने नगर आयुक्त कार्यालय पर किया प्रदर्शन। प्रदर्शन का नगर आयुक्त कार्यालय में सौंपा ज्ञापन, जिसमें मोक्ष धाम बनाने की मांग उठाई। ग्रामीणों द्वारा नगर आयुक्त कैंप कार्यालय को सौंपे ज्ञापन में कहा गया कि गांव गागनवाली मेनठेर वार्ड नंबर 11 में लगभग 3000 से 35000 की हिंदू आबादी है, जो लगातार बढ़ती ही जा रही है। आसपास में कोई भी मोक्ष धाम मौजूद नहीं है। काफी लंबे समय से गाँव वाले प्रशासन से मोक्ष धाम बनाने की मांग करते आ रहे हैं। गाँव वाले लोगों शेड वाले मोक्ष धाम में जाकर किसी की मृत्यु हो जाने पर संस्कार करते हैं। इससे गांव वालों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मोक्षधाम गागनवाली मेनठेड़ से 8 किलोमीटर दूर है। शहरी क्षेत्र होने के बावजूद हमें मूल सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। ग्रामीण ज्ञापन के माध्यम से यह मांग करते हैं कि जल्द से जल्द गागनवाली मेनठेड़ में मोक्षधाम बनवाया जाए, ताकि गाँव वालों की समस्याओं का समाधान हो सके। ज्ञापन देने वालों में अशोक कुमार, विजय सिंह, विजेंद्र, जगदीश, राजेश, महिपाल, करण सिंह, हरद्वारी, राजकुमार, सूरजपाल, सोहनलाल, जयप्रकाश वाल्मीकि, शेखर राजपूत, चमन केवल, प्रताप सिंह चौधरी, अवधेश कुमार, राम गोपाल, राम रतन, शेर सिंह, शंकर सैनी आदि ग्रामीण मौजूद रहे। हमारे वार्ड नंबर 11 गांगनवाली मेनठेर एडीएम साहब को हमने एक ज्ञापन दे रखा है 29/7/2021। हमारी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। हम उसके बाद नगर आयुक्त जी के यहाँ आए हुए हैं कि हमारा शमशान घाट बनना चाहिए। क्या मांगे हैं आपकी पूरी? हमारी मांग ये है कि हमारी बहुत 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 ज़्यादा समस्या है कि हमारे यहाँ कोई शमशान घाट नहीं है। जब मृत्यु हो जाती है तो 2 से 4 घंटे बारिश का इंतज़ार करना पड़ता है, और हमें क्रियाक्रम करने के लिए जगह नहीं मिल पाती है। अब तक कैसे होते थे क्रियाक्रम? अब तक गांगन किनारे खेती काट के वहाँ पे जगह बना के कर दिया, बारिश आ गई, घर में रख लिया, रोड पे रख लिया, उसका इंतजार करना पड़ा। अब आप क्या चाहते हैं? मतलब कितनी आबादी है गांव में? हमारी आबादी 3000 से 3500 आबादी है, और आसपास की आबादी है, मतलब जो वार्ड नंबर 11 की आबादी है वो 3000 से 3500 की आबादी है। उसके अलावा भी राम तलैया है, ढक्का है, और चौहानोवारी मिलक है, धीमरी है, और पटपुरा है। इस गांव के सभी लोग बहुत ज्यादा से ज्यादा परेशान है। अब जो हमारा धंधा होगा वो आत्महत्या का धंधा होगा, जो हमारी सुनवाई नहीं हुई। आज आपने किसको ज्ञापन दिया है? हमने नगर आयुक्त को दिया है, संजय चौहान जी को। ठीक है, मेरा नाम डॉक्टर प्रताप सिंह है। प्रताप जी बताइए क्या समस्या है? वार्ड 11 में गांगनवाली मेनठेर थाना मजुल्ला पड़ता है। हमारे यहाँ जो डेथ हो जाती है, कोई मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, बुजुर्ग हो या यंग हो या कोई बच्चा हो, उसके लिए कोई भी अंतिम संस्कार के लिए कोई व्यवस्था मेनठेर वार्ड नंबर 11 में नहीं है। और अभी जो तत्काल में जो कोई व्यवस्था ऐसी होती है तो मृत्यु होती है तो हमें जो है लोको सेट पर जाना पड़ता है, जिससे कि हमारे मेनठेर वार्ड नंबर 11 से 10-8 किलोमीटर है लगभग, वहाँ बड़ी दिक्कत होती है। बरसात के समय में जब बरसात होती है तो बड़ा इंतजार करना पड़ता है, कब बरसात रुकेगी, कब हमको इनको डेड बॉडी को लेकर जाना जाया जाएगा। तो हमारी मांग नगर आयुक्त जी से है कि मेनठेर वार्ड नंबर 11 में मोक्ष धाम बनवाने का कष्ट किया जाए, ताकि अति आवश्यकता है वहाँ पे। अभी तक लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग परेशान हैं। मेनठेर वार्ड नंबर 11 काफ़ी बड़ा एरिया है, लगभग 35-40 की लगभग आबादी है, हिंदू आबादी है, तो जिससे क्या बहुत बड़ी समस्या होती है। रास्ता कोई पक्का नहीं है। अच्छा, हम ये चाहते हैं हमारे जो मेनठेर वार्ड नंबर 11 में काना गौशाला जो नगर निगम ने बनाई है, वहीं के आसपास में काफ़ी ज़मीन सरकारी खाली पड़ी हुई है, हम चाहते हैं वहीं आसपास में हमारी कोई व्यवस्था हो जाए, तो बड़ी मेहरबानी होगी सरकार के करिंदों की और हमारे